तो चलें टेस्ट कर लेती हैं। मेरे पोनी पे बिल्कुल नहीं है सुना आपने। हम ये सब कुछ जहमत देनी है कि वो इधर आए मछली में डुबोए। चलो ऐसे कहेंगे आप? असल में ना हमारा सालन खत्म हो गया तो वो डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है तुहाडे सारेयां दा? होप सो कि ठीक ठाक वल ते फिट होसोगे ते मैं भी तुहाडे सामने चंगी बनी हां। और मैंने कहा कि आज है ना तीन लैंग्वेज मिक्स करके मैंने इंट्रो देना है। तो जी आज की वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। हमने क्या क्या इसमें आपको दिखाऊंगी आज, जो मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे फिश की, जो उसको हमने मसाला लगा के मैरिनेट किया था, इंशाल्लाह आज वो मैं बताऊंगी कि मैंने उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे। और सेकंड नंबर पे मैं बताऊंगी कि शॉपिंग भी मैंने कर ली बेबी की और अब मैं जा कब रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी वीडियो जो है आज की वीडियो में हम एडजस्ट करेंगे और ये वीडियो के किसी कोने में भी आपको नजर आ जाएगा सब कुछ। सबने वीडियो सारी देखनी है। चले जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो कल बारिश हुई थी तो तब तो है ना सर्दी की शिद्दत में थोड़ा थोड़ा चुनू मुनू सा इजाफा हो गया था, लेकिन फिर वो मौसम है, ऐसा मौसम है कि देखिए मैंने जो है ना हाफ बाजू वाली पहनी हुई है, मतलब गुजारा चल रहा है ऐसे। तो कपड़े जो है मैंने वॉश कर लिए थे, मैंने कहा कि जो है ना वॉश कर लो, लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी है ना बिल्कुल भी खुश्क नहीं हुई, ये गीले हैं कपड़े, इनको भी मैं कहीं पे लगा देती हूँ। और साथ में जो है मास्क, फाइनली इतना मेकअप इनसे उतरा है ना, कोई 5-10 किलो मेकअप उतरा है, ये मैंने वॉश कर लिए थे। मैंने कहा अच्छा चले कभी ना मिल रहे हो तो बंदा जो है यूज कर लेता है। तो चलिए आज सबसे पहले आपको फिश मसाले का बताती हूँ। मच्छी होए आज नीचे तो फिश को मैंने पहले लगा दिया था। ठीक है, ये देख लें आप एक बार ना करीब से, माशाल्लाह से क्या मजे की। और जब बनेगी फिर मैं आपको फिश देख लीजिए इनके काम है, मैं कच्ची खा जाऊं, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है पास। तो जी इसमें मैंने पहले मैरिनेट कर दिया, लेकिन सॉरी मैं वीडियो बनाना जरा भूल गई हूँ और इसलिए मैं आपको बता देती हूँ आपको कि इसमें क्या क्या ऐड करना है। जितने आपको मसाले नजर आ रहे हैं ना ये अपनी अपनी मर्जी के ऐड कर लेना है। हल्दी, खुश्क धनिया, नमक, गर्म मसाला, लाल मिर्च और साथ में जो तीन एडिशनल चीजें हैं वो एक तो होगा नींबू, आपने ले लेना है क्योंकि उसका रस जो है ना कमाल कर देता है इसमें। और साथ में लहसुन और अदरक का जो पाउडर है वो आपने इसमें करना है ऐड, अच्छे से कर लेना है मिक्स। सबसे पहले अपने वॉश इसको अच्छे से करना है। ये देख लें जी कमाल किया। और मैंने कहा कि सिर्फ मैं जो है ना अपने लिए बनाऊं, साथ में आज हमने सालन भी वही बनाया था और इतना मजे का था ना, कुछ भी नहीं रह गया इसमें। बेचारा हम खा गए, कुछ भी नहीं बचा। तो मैंने कहा साथ में जो है ना, असल में गेस्ट आए थे तो इसलिए, और साथ में मैंने कहा कि मछली जो है वो मैं रख देती हूँ फ्राई करने के लिए। चलें जी आप होप्स हो कि आपको रेसिपी जो है ना रटी रटाई रेसिपी आपको समझ आ गई होगी, तो लाजमी आप इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी है। अभी तो मैं जो है इनको रखूंगी अपनी जगह पे। और साथ में आज मैंने क्या किया, मोबाइल का कवर चेंज कर लिया, ये मेरा आईडी कार्ड भी है पीछे। और ये इतना मतलब लाइट वेट है ना, बहुत ही कमाल का, इसको आसानी से पकड़ सकते हैं, वरना वो तो दूसरा उसमें पानी कितना था, काफी वो भरा था। तो बताइए ये बारिश है काफी, मैंने कहा जरा जो है ना बारिश है तो थोड़ा सा सब्जी का मजा लिया जाए। और ये पता नहीं मार्केट का निशान है, तो कैसे लग गए ये। चले अब आई लो लेगा और जिस टाइम पे गैस है हम तो उसी टाइम पे बिल्कुल जो है खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं बनाऊंगी और फाइनल लुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ दोबारा। सो वीडियो नाल बने रहो। तो जो है गया ऑयल सही गला कर रहे हैं, ठीक है मार रहे हैं, अपनी जान जो है ना बचाए। जो पानी होता है ना लेमन का रस होता है उस वजह से लात हो जाते हैं। क्या ये और इतना मजे से इसके मैं जा पड़ा हूँ इसी पे डाल देते हैं। चलिए मैंने रोटी बना ली थी पहले और अभी बांध ले गैस जो है वो मैं थोड़ी ऐसा कर देती हूँ ताकि अंदर तक बन जाए। ठीक है थोड़ी ऐसी बनेगी फिर थोड़ा रिकवर करा दूंगी। फाइनल तैयार है, फाइनल लुक देखें आप। ये तो माशाल्लाह से जो फिश है ना वो हमारी रेडी हो गई है। ठीक है यही सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो आपके साथ शेयर किए हैं, आप भी लाजमी बनाइएगा, मुझे खुशी होगी कि आप ऐसा जो है ना टेस्ट खा सके। साथ में अभी खाने का टाइम था तो मतलब हमने अभी नहीं खाया। पानी जो है ये मैं बॉयल कर रही हूँ बिल्कुल इसी आंच पे, आप किया करें बॉयल। और वैसे दिल तो करता है कि बंदा ठंडा पानी पिए, लेकिन जैसे आपको फ्लू हो जाता है और जुकाम नजला बुखार वो सब हो जाता है तो आपके लिए अच्छा है कि आप पानी ऐसा करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। मैं ऐसा यूज करती हूँ और मैंने ये समझा कि मैं कर रही हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि मेरे साथ साथ आपका भला हो जाए। ये मैंने रूम में रखा हुआ जग,
इसमें जो है मैं इसे डाल लेती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा गर्म है, पीने के काबिल भी है। साथ में मैंने आपके साथ शेयर किया था जो मैं स्ट्रेटनर और ये ड्रायर लेके आई थी, वो बिल्कुल मैं अभी चेक कर रही थी, साथ में मैं लगाया तो मैंने कहा आपके साथ जो है ना लाइव रिजल्ट जो है इसका शेयर करूं। और वैसे है तो देखने में बहुत प्यारा, आप देखेंगे वर्किंग कैसे करता है जो मेन है। जी तो ये देखिए काम कर रहे हैं, आप लोग गर्म हवा आ रही है कि नहीं आ रही, साथ में डिजिट बने हैं 012 पे जो है मेरा नवा खराब ना हो जाए तो ये तो माशाल्लाह अच्छी वर्किंग कर रहा है। और साथ में स्ट्रेटनर जो है वो भी साथ चेक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था, मैंने कहा ड्रायर तो हमने चेक कर लिया और इसका कलर कम्बो मुझे बहुत ही पसंद आया। और साथ में अब जो है ना ये स्ट्रेटनर है, इसको भी उनके सामने चेक किया था, सम टाइम ऐसा होता है दुकान वालों के हाथों में चीज चल जाती है लेकिन हमारे हाथों में नहीं चलती, और इसका भी ऐसे ही है। और जो मेरा स्ट्रेटनर है रेमिंगटन का, उसका बिल्कुल एक काका है छोटू शाह तो इसको भी लगा के चेक करते हैं हम। ये देखें जी लाइट ऑन हो गई है, और इधर कोई बटन का ये अंदर सिस्टम है, ऑफ एंड ऑन का लिखा हुआ, इधर से जो है हम चेक करेंगे कि क्या है, गर्म तो हो रहा है। और ये क्या है, कंपनी है जी गीपस, ठीक है आपने लेना है तो ये आप ले सकते हैं 2200 वाट का। ये देखें हेयर ड्रायर प्लस हेयर स्ट्रेटनर, इस पे आई थिंक मतलब हमें अच्छा मिल गया था अच्छी प्राइस में, 65 कुछ इतने दिरहम का हमें मिला था उधर से, ठीक है दुबई से लिया था। तो चलें टेस्ट कर लेते हैं, मेरे पोनी पे बिल्कुल नहीं है सुना आपने, इसको ना अच्छा से करके पकड़ के ना अच्छा से करके हम इसको करते हैं स्ट्रेट, वैसे भी साथ साथ और है, हो जाएगा भाई इतनी भी क्या चलती है, हो जाएगा खुद ही तो चलें जी ये भी टेस्ट हो गया मेरा क्योंकि मुझे चाहिए था, और जो है ना बाल स्ट्रेट करने के लिए चाहिए होता है। और इतनी भारी प्लग, उफ इनके मैं रख रही हूँ साइड, वो विंग्स मंगा लेना, विंग्स वाला फेस देख लो। आ ऐसे कहेंगे आप असल में ना हमारा सैलून खत्म हो गया तो वो डिस्कशन चल रही है क्या रात ही। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि मैंने कहा था आपको कि मैं मेकअप अब जा रही हूँ, तो इसका आंसर ये है जी इंशाल्लाह जो है अभी तो मतलब एक दो दिन के बाद जाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की, 1% कह लें वो भी नहीं की बिल्कुल, और बस अल्लाह पाक खैर करें और जाएं आप, क्योंकि ना मैं गई थी नवंबर में जब शादी थी तब मैंने आपके साथ शेयर किया था तब गई हूँ, फिर हम लोग पूरा मंथ रहे दुबई फिर भी नहीं गई, लेकिन अब मैंने कहा कि अब जो है ना जनवरी में चले जाते हैं, और वैसे भी जो है ना थोड़ा मतलब अब खुशी का समा है माशाल्लाह से घर में, तो मैंने कहा इंशाल्लाह आप चले जाते हैं और अम्मी से भी मिल लूंगी, अब्बू से स्पेशली मिल लूंगी, वो बहुत पूछती हैं कि चक्कर कब लगाना है, मैं ना जाऊँ तो उन्होंने लाजमी मिलने आ चलना, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस अल्लाह पाक खैर करें कि खैरियत के साथ हम लोग जाएं, इंशाल्लाह आपके साथ अब अच्छी वीडियोस और ज्यादा शेयर करूंगी। कल मैंने आपके भाई को मैसेज किया था क्या कि हम आ रहे हैं एक दो दिन में, अच्छा फिर क्या आगे से, वो कहता है कि भाई अभी नवंबर में ही तो आए हो, फिर तो हो गई है, उनसे मेरी इस टॉपिक पे बात हुई है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा सच में, यहाँ पे पुलिस से बना रहे हैं कि ये जाए नहीं, बिल्कुल ये मुझे नहीं जाने देते, मेरे कहते इधर रहो बस नहीं जाना, लेकिन अब क्या करूं, मैंने जानना है यार, मेरी अम्मी अब्बू हैं बहन भाई हैं, मैंने उनसे मिलना है, जाहिर बात है। तो कह रहे थे अभी आई हो, अभी कुछ टाइम हुआ है तो फौरन जाने की पड़ गई है वापस, अल्लाह तो बस तकफिरुल्लाह, मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, खुश है। और देखिए मेरा भांजा है, मैं रह सकती हूँ नहीं ना रह सकती, कमेंट्स में बताएं किसी के पास की खुशी हो रह सकता है, कभी भी नहीं। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और दुआओं में याद रखा करें, मिलूंगी अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।